हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक पिता को क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक इंसान पिता कब बनता है। यह बात मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं एक बार ज़रूर बता देता हूँ कि जब एक पति पत्नी में जब प्यार ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तब जा कर के एक इंसान पिता बनता है। एक अच्छा पिता वही बन सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद हों। सबसे पहले नंबर 1 है बच्चों के साथ टाइम बिताना। एक पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ टाइम बिताए, चाहे आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जब भी घर पर रहें तो आपके साथ खाना खा सकते हैं, आप कोई बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं या फिर बैठकर कोई बातों पर डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिता सकते हैं। अगला है नंबर 2, बोल भाव। बोल भाव एक पिता को अपने बच्चों से काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो आपको ज़्यादा गुस्सा दिखाने या करने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि जब मैं आपके जैसा था तब भी मैं ऐसी गलती करता था, पर एक बार क्या हुआ कि एक अंकल जी ने मुझे बताया कि अगर आपको किसी काम की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जिसके पास उस काम की नॉलेज है या उसकी जानकारी है तो आप उनसे जा कर के पूछ सकते हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं, फिर आप उस काम को जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को आप कर सकते हैं। अब अगला निकल के आता है नंबर 3, पहनावा। एक पिता को चाहिए कि बच्चे के पहनावा पर विशेष ध्यान दें। पहनावा आप उनके उम्र के हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं बात कपड़े की करूँ तो कपड़े आपके बच्चे के पास इतना होना चाहिए कि बच्चे चेंज करके पहन सकें। कुछ पहनावा जो है मौसम के हिसाब से लगते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में सूती के हल्के कपड़े होने चाहिए, ठंड में गर्म कपड़े होने चाहिए, ऊनी कपड़े होने चाहिए जो बच्चे को पहनने में काफ़ी आरामदायक महसूस हो, अच्छा लगे। और अगला है नंबर 4, अच्छी शिक्षा। अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, तो बच्चे को शिक्षा को लेकर एक पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे की हर हालत में शिक्षा को पूरी करे, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे जिम्मेदार बनेंगे, छोटे बड़े को सम्मान और आदर करेंगे और वह अपने आप को किसी काम के काबिल बना पाएंगे और आगे चलकर जीवन में कुछ बन पाएंगे। और अगला है नंबर 5, अच्छा व्यवहार। एक पिता को अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना या बना कर रखना चाहिए ताकि वह आपको समझ सके और बगैर किसी झिझक के वह कोई भी बात आपसे बोल सके और आपको बता सके। इतना मीठा व्यवहार होना चाहिए। एक पिता और उनके बच्चों के बीच किसी भी चीज़ के लिए मनमुटाव नहीं होना चाहिए। एक अच्छे पिता को सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगला है नंबर 6, अच्छे संसाधन। जब बच्चे उम्र के साथ बड़े होने लगते हैं तो उनके लिए जो संसाधन होता है और उन संसाधनों की जो आवश्यकता होती है वो भी उम्र के साथ बढ़ती रहती है। एक पिता का फर्ज होता है कि उन संसाधनों की पूर्ति समय समय पर करते रहें, इसलिए कि उन्हें नहीं लगना चाहिए कि कोई उन्हें किसी भी चीज़ की कमी है। बात करते हैं अब संसाधन की, तो संसाधन में आप बच्चों के यूज में आने वाले सारे वस्तु को आप संसाधन कह सकते हैं। अगला है नंबर 7, रोल मॉडल। एक पिता ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल यानी हीरो होता है। हर वह बच्चा जिनके एक अच्छे पिता हैं, कहीं ना कहीं पर वह यह सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर पिता जैसा बनूंगा। अब आप ही खुद समझ सकते हैं कि आपको कौन सा पिता बनना चाहेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अब सामने होगा एक बेल की घंटी, उसको आप दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
दोस्तों, तो इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।